वेलकम टू माय न्यू वीडियो। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट हीरो सुपर स्प्लेंडर BS6 बाइक के बारे में। और इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर अप करने वाला है, जैसे प्राइस क्या रहने वाला है, कलर्स क्या क्या देखने मिलेंगे, माइलेज क्या देने वाली है बाइक, और साथ में ये भी कवर अप करूँगा फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन क्या देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, अपने भाई के चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी इंटरेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सकें। गाइस, जैसा कि आपको पता है, आपको सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ, जो चीज़ हमारे बजट में फिट होती है हम सबसे पहले वही चीज़ परचेज करते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा, इसके दो वेरिएंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ड्रम BS6 और डिस्क BS6। बात करते हैं ड्रम BS6 के बारे में, तो इसका एक्चुअल प्राइस है 68,150 रुपये का और RTO अमाउंट दिया गया 5,752 रुपीज़ का। इंश्योरेंस अमाउंट दिया गया 5,799 रुपीज़ का। अदर चार्जेस की बात करते हैं, अदर चार्जेस दिए गए 1,979 रुपीज़, जिसमें से हैंडलिंग चार्ज है 750 रुपीज़ के, अदर चार्जेस 999 के और स्मार्ट कार्ड 230 रुपीज़ का दिया गया है। और साथ में एडवांस भी दिए गए, जो कि 403 रुपीज़ के हैं, जीरो डेप इंश्योरेंस 228 रुपीज़ के और मिसकिलियंस चार्जेस 175 रुपीज़ के। अब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस की, तो ऑन रोड प्राइस 81,680 रुपीज़ के। अब बात करते हैं डिस्क मॉडल के, तो इसका एक्शन प्राइस दिया गया है 71,650 रुपीज़ के और RTO अमाउंट दिया गया 6,032 रुपीज़ के। साथ में इंश्योरेंस अमाउंट दिया गया 5,878 रुपीज़। अब बात करते हैं अदर चार्ज की, तो अदर चार्ज वही सेम दिया गया है 1,979 रुपीज़ के और साथ में एडवांस की फैसिलिटी वही सेम प्राइस की दी गई है 415 रुपीज़ के। अब बात करते हैं ऑन रोड प्राइस की, तो ऑन रोड प्राइस दिया गया 85,539 रुपीज़। आपकी सिटी में, मेरी सिटी में थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, बिकॉज आपकी सिटी अलग है, मेरी सिटी अलग है। गाइस, अब बात करते हैं कलर्स के बारे में, इसमें कौन कौन से डिफरेंस कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इसमें 4 डिफरेंस कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, ग्लेज ब्लैक, हैवी ग्रे, नेक्सस ब्लू, कैंडी ब्लेजिंग रेड। ये 4 कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी प्यारे और क्लासिक कलर्स देखने में लगते हैं। अब बात करते हैं माइलेज के बारे में, बाइक माइलेज क्या देती है, तो इजीली 65-60 किलोमीटर पर लीटर माइलेज दे देती है, जो ये कंपनी क्लेम करती है। गाइस, अब बात करते हैं फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इंजन ट्रांसमिशन के बारे में। इंजन टाइप एयर कूल 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OSC इंजन दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट 124.7 cc का दिया गया है। मैक्सिमम पावर 10.8 PS 7000 RPM में दिया गया है। साथ में मैक्सिमम टॉर्क 10.6 एंड 6000 RPM। नंबर ऑफ सिलेंडर्स 1 दिया गया है। कूलिंग सिस्टम इसमें एयर कूल्ड। अब बात करते हैं बल्ब पर सिलेंडर की, तो बल्ब पर सिलेंडर 2 दिए गए हैं इसके अंदर। ड्राइव टाइप चेन ड्राइव। अब बात करते हैं स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग क्या दी गई है, तो इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट, किक स्टार्ट दोनों ही दिए गए हैं। फ्यूल सप्लाई इसमें FI में दी गई है, जिसे हम लोग फ्यूल इंजेक्शन भी बोलते हैं। क्लच इसमें वेट मल्टी प्लेट में, ट्रांसमिशन मैनुअल। अब बात करते हैं गियर बॉक्स की, तो गियर बॉक्स 5 स्पीड में दिए गए, यानी कि 5 गियर्स वाली ये बाइक होने वाली है। बोर इसके अंदर 52.4 mm, स्ट्रोक इसके अंदर 57.8 mm। एमिशन टाइप की बात करते हैं, जैसे कि आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, BS6 ये बाइक है, तो एमिशन टाइम BS6 होने वाला है। फीचर्स एंड सेफ्टी की बात करें, ब्रेकिंग टाइम इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, साथ में I3S टेक्नोलॉजी दी गई है। स्पीडोमीटर एनालॉग, टैकोमीटर एनालॉग, ऑडोमीटर एनालॉग, साथ में ट्रिप मीटर एनालॉग दिया गया है। फ्यूल गेज एनालॉग, कंसोल मीटर एनालॉग, पास स्विच इसके अंदर दिए गए हैं, साथ में पैसेंजर फुटप्रिंट्स दिए गए हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं चेसिस सस्पेंशन की, सबसे पहले बात करेंगे चेसिस की, तो चेसिस के अंदर दिए गए टबलर डायमंड में, बल्टा इसमें कम्यूटर बाइक दी गई है। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में, फ्रंट सस्पेंशन इसमें टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स में दी गई है। रेस सस्पेंशन इसमें 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर इसमें दी गई है। साथ में बॉडी ग्राफिक्स दी गई है इसके अंदर। बात करते हैं डायमेंशन एंड कैपेसिटी की, डायमेंशन कैपेसिटी क्या क्या दी गई है। लेंथ इसके अंदर 2042 mm, साथ में विड्थ 740 mm, हाइट 1102 mm, फ्यूल कैपेसिटी 12 लीटर्स की दी गई है। सेडल हाइट 719 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm दी गई है। माइलेज 1273 mm। गाइस, अब बात करते हैं कर्व वेट की, कर्व वेट क्या दिया गया है, तो कर्व वेट इसके अंदर दिया गया है 123 kg के, यानी कि 123 kg की टोटल बाइक होने वाली है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल्स की, इलेक्ट्रिकल्स में क्या क्या दिया गया है, हेडलाइट, हेलोजन, टेल लाइट बल्ब, टर्न सिग्नल लैंप बल्ब, बैटरी टाइप इसमें MMFA दी गई है, जिसे हम लोग मेंटेनेंस फ्री भी बोलते हैं। बैटरी कैपेसिटी इसमें 12 वोल्ट 4 आवर्स की दी गई है। साथ में लो फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है।
टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम टायर साइज की बात करेंगे। फ्रंट टायर 80x100-18 का और रेयर टायर भी 90x90-18 का दिया गया है। टायर टाइज में ट्यूबलेस। व्हील साइज की बात करते हैं, फ्रंट व्हील 457.2 mm और रेयर व्हील भी सेम ही साइज का दिया गया है, 457.2 mm का दिया गया है। अब बात करते हैं ब्रेक्स की, ब्रेक्स क्या दिए गए। अगर आप ड्रम में लेते हो दोनों ही ब्रेक्स आपको ड्रम में देखने को मिलेंगे, फ्रंट और रेयर दोनों ही ड्रम में देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप डिस्क में लेते हो तो फ्रंट ब्रेक आपको डिस्क ब्रेक में मिलेगा और रेयर ब्रेक आपको ड्रम में दिया गया है। डायमीटर्स की बात करते हैं, फ्रंट ब्रेक डायमीटर 240 mm और रेयर ब्रेक डायमीटर 130 mm का दिया गया है। गाइस अगर अपने भाई की चैनल पहली बार है तो प्लीज़ अपने भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी टेस्टिंग वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियो से अपडेट रह सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।